नमस्कार, देवभूमि के खबरों के मेगा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत राज्य के कई बड़े दिग्गज अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा, जो हमारा नारा है अब की बार 60 पार, जनता उस पर मुहर लगाएगी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतपाल महाराज ने सेडिया खाल स्थित बूथ पर जाकर सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। इसके बाद उनके बड़े बेटे श्रद्धेय रावत और छोटे बेटे सुहर्ष रावत ने भी मतदान किया। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन भी मतदान स्थल पर पहुंचे और मतदान किया। इसी के साथ ही कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की भी अपील की है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की गई है कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के द्वारा। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कही। गंगोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल सजवाणा ने उत्तरकाशी के संस्कृत महाविद्यालय में वोट डाला। इसी के साथ ही विजयपाल सजवाणा ने लोगों से लोकतंत्र के उत्सव को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से कहा कि उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए हाथ से हाथ मिलाकर वोट करें। तो विजयपाल सजवाण ने मतदान किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी से तस्वीरें हैं जहां विजयपाल सजवाण ने आज वोट करा और वोट करने के साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोकतंत्र के उत्सव को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से कहा कि उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए हाथ से हाथ मिलाकर वोट करें। वहीं थराली विधानसभा के बूथों पर मतदान के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं कई बूथों पर बुजुर्ग मतदाताओं को भी व्हीलचेयर की मदद से पोलिंग बूथों तक लाया गया, जहां पर बुजुर्ग समेत दिव्यांगों ने भी मतदान किया। तस्वीरें थराली से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग को लेकर उत्साह देखा गया। व्हीलचेयर से पोलिंग बूथ बुजुर्ग पहुंचे, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। थराली विधानसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों के अंदर अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिला। यहां दिव्यांग, बुजुर्ग और लोग जो थे वो सभी पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही साथ व्हीलचेयर से भी बुजुर्ग लोग पहुंचते हुए दिखाई दिए। पौड़ी के कई बूथों पर मतदाताओं की तरफ से मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। सुबह 8 बजते ही मतदाता अपने अपने पहचान पत्र लेकर अपने अपने मतदान स्थलों पर भारी संख्या में पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार पोरी ने भी नगरपालिका नंबर 5 पर बने पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इस दौरान सभी पोलिंग बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तरफ से अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई गई। तो वोटिंग की लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं। पौड़ी से ये एक और तस्वीर, जहां बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार पोरी ने भी मतदान किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पोलिंग बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तरफ से अपनी ड्यूटी भी बखूबी निभाई गई। गंगोत्री विधानसभा के बूथ नंबर 1 पे हैं, ग्राम सभा मुखवा में। और आज जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान का जो दिवस है 14 फरवरी का, हमारे इस पोलिंग बूथ में जो है लोगों ने मन बना चुके हैं लोग कि इस बार जो है जो भाजपा जो सरकार है
गुंगी बहरी सरकार, इसको जो है हटाने के लिए जो है विकास की तरफ देश को आकर्षित करने के लिए जो है कांग्रेस की तरफ से जो है 80% का मतदान अभी जो है मध्याह्न तक हो चुका है और आगे भी हमें आशा है कि बहुत इस बार जो है कांग्रेस यहां से जो है बढ़ चढ़ करके जो है अपना बहुमत हासिल करेगी। बिल्कुल, आज ये जो पर्व है बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है और माँ गंगा का जो सत्कार प्रवास हुआ है काम यहाँ पर तादाद में वोटर आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं और धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रशासन की भी, सारी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद है और मौसम भी सुहाना है तो लोगों का जो पर्व है इसको बड़े अच्छे ढंग से कर रही है और मैं मानता हूँ कि ये निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। इन शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद। उत्तराखंड में आज जनता ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया, इसी के साथ ही मतदान उत्तराखंड का आने वाला 5 साल का भविष्य तय करेगा। वहीं इस मतदान में जनता का रुझान किसकी तरफ ज्यादा रहा, इसे जानने की कोशिश की हरिद्वार से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने। इस दौरान क्या रही लोगों की प्रतिक्रिया, आप भी सुनिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजीम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज उत्तराखंड में लोकतंत्र का महापर्व है, विधानसभा 2022 आज मतदान होगा। जनता आज उत्तराखंड का आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेगी। उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी ये आज जनता तय करेगी। अभी कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। सभी पार्टियों ने पूरा दमखम लगाया, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य निर्दलीय हो, कोई भी दल हो, सभी ने अपना जोर शोर से प्रचार किया। लेकिन उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड का भविष्य आज तय करने जा रही है। ये आने वाली 10 मार्च को पता चलेगा कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा या इस बार फिर बीजेपी की सरकार को जनता चुनेगी। बस अब से कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा। लोगों में उत्साह है, जनता 5 साल से बीजेपी के कार्यकाल में कितनी खुश है ये जनता जवाब देगी। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पे आपको पल पल की खबरें देगी। हमारे सारे सहयोगी उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं पे आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं मोहम्मद अजीम इस वक्त खानपुर विधानसभा में खड़ा हूँ। खानपुर विधानसभा का दंगल बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर रानी दिव्यानी, जो कुंवर पर्ण सिंह चैंपियन की धर्मपत्नी है, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने सुभाष चौधरी को, बसपा ने रविंद्र पनियाला को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं निर्दलीय के तौर पर उमेश कुमार ने ताल ठोकी हुई है। अब खानपुर की जनता किसे अपना विधायक बनाएगी ये 10 मार्च को पता चलेगा। आप मेरे साथ और मेरे सहयोगी के साथ देखते रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्शना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माय नेम इज हिमानी पाठक एंड आई क्वालिफाइड पीसीएस यूके पीसीएस 2012 एंड आई एम करेंटली सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर for cane and sugar department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I'm posted as assistant commissioner state tax with government of Uttarakhand
When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान. नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान. जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है. ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में. डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं. तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. आगे बढ़ेंगे. काशीपुर बाईपास रोड स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज में मतदाता पर्ची के पीछे बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोड़ा की फोटो छपी मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा के पति अनिल शर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है और मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पीठासीन अधिकारी से लिखित शिकायत की. मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा के पति अनिल शर्मा, सुशील गाबा सहित आधा दर्जन कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. साथ ही निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग करते हुए पीठासीन अधिकारी सचिन सक्सेना से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. वहीं थराली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम ने अपने गांव रई के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला. वहीं बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भी वोट डाला. इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम से खास बातचीत की थराली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा ने. इस दौरान क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम ने, आप भी सुनिए. इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद चमोली के विधानसभा थराली के दूरस्थ क्षेत्र रई में, जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम जी हैं. ये इनके गांव का जो बूथ है उस बूथ में हम पहुंच चुके हैं और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम जी ने अपना मत का प्रयोग किया है और हमारे बीच मौजूद हैं. तो हम उन्हीं से जान लेते हैं कि आपने जो लोकतंत्र का जो आज मत का अधिकार का जो अपना प्रयोग किया, तो आपने क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे देश भारत का बहुत बड़ा एक जो है प्रजातंत्र का एक समारोह है और इसमें हमारे लोकतंत्र की जो हमारी निष्ठा है, जो आस्था है, वो लोकतंत्र में निहित होती है. और आज जो पर्व है निर्वाचन का, सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने मत का प्रयोग करें और जो हमारा मत हो वो स्वतंत्र हो और निष्पक्ष रूप से होना चाहिए. यही मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूँ कि सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि हम सही प्रत्याशी का चुनाव कर सकें, योग्य प्रत्याशी का चुनाव कर सकें, जो कि क्षेत्रों के विकास कर सके, एक अच्छी सरकार बन सके, जो जनहित के कार्यों को आगे बढ़ा सके. आप कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं साथ साथ, तो क्या लगता है आपको कि जनता इस समय उत्तराखंड में क्या परिवर्तन करने वाली है, क्या लगता है आपको? जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा तनमान जन के जनहित के कार्य न कर करके स्वयं के हित कार्य करे गए हैं,
उनके जो जिन्होंने विकास करना था वो विकास अवरुद्ध हुआ है उत्तराखंड का, उत्तराखंड को पीछे धकेलने का काम किया विकास की दृष्टि से। आज जनता मन बना चुकी है पूरे क्षेत्रों से, अभी रिपोर्ट आ रही है कि जो है कांग्रेस के पक्ष में लोग भारी मतदान कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 2022 में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी और इस क्षेत्र से भी कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। ये आज का जो जनता का जो हमको रुझान आ रहा है वो जनता स्वयं ही तय करती है। लेकिन सर यह है कि जो भाजपा है, क्योंकि उत्तराखंड में बारी बारी से पाँच साल भाजपा, पाँच साल कांग्रेस की सरकार रहती है, लेकिन इस बार जो भाजपा कह रही है कि इस बार हम उस मिथक को तोड़ने वाले हैं, पुनः अपनी सरकार को बनाने जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम परिवर्तन करेंगे और कांग्रेस की सरकार आएंगे, तो क्या क्या लगता है आपको? आज जिस तरह से लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है पूरा प्रदेश, इन्होंने पूरा प्रदेश को महंगाई के गर्त में धकेलने का काम किया, बेरोजगारी के गर्त में धकेलने का काम किया। आज हम थराली विधानसभा के दूसरे मतदान केंद्र पर जबरकोट में है, यहाँ पे अब जो लोगों की तादाद है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग जो मतदाता हैं वो आना शुरू हो गए हैं और अब लाइन लगनी भी शुरू हो गई, तो निश्चित रूप से जो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो मतदाताओं की संख्या में इजाफा होने की संभावना बन जाती है। तो हमारे बीच यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, भाई साहब आपने अपना मत का प्रयोग किया है तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये लोकतंत्र का महापर्व है आपने वोट किया तो किन मुद्दों पर आपने वोट किया? हमने विकास के मुद्दे पर वोट किया है और निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय विकास जो चाहिए उसके लिए वोट किया है विकास के नाम पर। जी आपने मतदान किया भाई साहब? जी मैं, आपने किन मुद्दे पे मतदान किया? मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ, सम्मानित यहाँ के युवा मतदाता, महिला मतदाता और बुजुर्ग मतदाता, मैंने देश हित के लिए वोट किया है, मेरा वोट देश हित के लिए। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हम देश को आगे भविष्य उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। एक बालिका अमीषा हमारे बीच है जिसने पहली बार आज अपना वोट का प्रयोग किया है, तो हम उसी से जान लेते हैं कि अमीषा आपको आज पहली बार जो वोट आपने दिया कैसा लग रहा है और किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? बहुत अच्छा लगा है और हम तो यही चाहते हैं कि देश का हित हो, उसी को वोट दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आज वोट दिया, मैं इस दिन के लिए बहुत खुश थी कि मुझे वोट डालना है और मैंने एक क्षेत्र के योग्य प्रत्याशी को वोट दिया क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगारी है उसका समाधान करेंगे और वो इससे पहले भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, हमने देखा कि उन्होंने उस समय पर भी बहुत काम किया हमारे क्षेत्र के लिए, उस समय पर हमारे क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ, पहले हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, अब सड़कें आ गई है और बहुत और भी बहुत कुछ कार्य किए और इसीलिए मैंने उन्हें वोट दिया, मुझे लगता है कि वो हमारे क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास करेंगे। सर मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में विकास होना चाहिए, बाकी ये मतदान मेरा अपना अधिकार है जो मैं अपने स्वेच्छा अनुसार देना चाहती हूँ, ना मैंने किसी की चाय पानी के पैसे ले रखे हैं, मैंने अपने इच्छा अनुसार ये वोट मतदान दिया हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं जिन समस्याओं के विकास के लिए आपने वोट दिया? हमारे गांव में एक तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जिससे कि हमें बहुत परेशानी होती है। हरिद्वार में शांतिपूर्वक मतदान किए जाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। मतदान स्थलों पर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार और डीआईजी गढ़वाल के एस नगलियाल ने मंगलौर पहुंचकर सभी बूथों का निरीक्षण किया। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, मंगलौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वोटिंग के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले और साथ ही साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर समय समय पर निरीक्षण करते रहे। हरिद्वार जनपद के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने भ्रमण किया है, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और 1 बजे के समय तक लगभग 35-40% अलग अलग जगह मतदान हुआ है, तो काफ़ी तेज़ी से मतदान चल रहा है, लोग बाग मतदान के लिए बाहर आए हैं और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई ऐसी, सब शांतिपूर्ण है, व्यवस्थाएँ भी सही हैं, मॉक ड्रिल समय से हुआ है, 1-2 जगह EVM ज़्यादा की परेशानी थी वो ठीक कर ली गई है, लेकिन 8 बजे सब जगह मतदान शुरू होगा। बूथ को वल्नरेबल और क्रिटिकल के हिसाब से और सामान्य बूथ के हिसाब से हमारे पुलिस बल डिप्लॉय किए गए और देख रहा हूँ समय से शुरू हो गया, सब लाइनअप जो भी करना है प्रॉपर ढंग से लाइन चल रहा है और किसी भी तरह की पूरे जनपद में कोई एडवर्स बात नहीं आई है, पूरे
जनपद में चुनाव चल रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।